लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। समाजवादी पार्टी के मुंबई जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने आज बिजली बिल और अनियमितताओं से जुड़ी विविध मांगों को लेकर विद्युत अधीक्षण अभियंता से वाशी में मुलाकात की और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की। इस अवसर पर अफसर इमाम ने विद्युत अधिकारियों के समक्ष ज्यादा बिजली बिल, समय पर बिल नहीं मिलने और फॉल्टी मीटर को सुधारने संबंधी विविध मुद्दों पर चर्चा की, जिस पर अधीक्षण अभियंता ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेता मेराज सिद्दीकी, एडवोकेट कमलेश पाठक, कमर अली चौधरी, साजिद सिद्दीकी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में आर्थिक तंगी के बीच ज़्यादा बिजली बिल और पैनल कार्रवाई नागरिकों के लिए नई मुसीबत बन रही है। इन मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी मुंबई के जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने तमाम पदाधिकारियों के साथ विद्युत अधीक्षण अभियंता से वाशी में मुलाकात की। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता मेराज सिद्दीकी, एडवोकेट कमलेश पाठक, कमर अली चौधरी, साजिद सिद्दीकी, रंजीत सिंह और सुल्तान खान समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ जिलाध्यक्ष अफसर इमाम ने अवांछित बिजली अधिभार, ज्यादा बिल भेजने और समय पर बिजली बिल नहीं देने के साथ ही बिना सूचना कनेक्शन काटने जैसी मनमानियों को रोकने और उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर चर्चा की और उसके तत्काल समाधान की मांग की। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। लोगों के बीच में मुद्दा आ रहा था कि बिजली का बिल बहुत बढ़ के आ रहा है लॉकडाउन के टाइम में जनरली क्या हो गया कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया, घर से लोग बाहर नहीं निकले तो लोगों का एवरेज भी लाया। उसके बाद सडनली क्या हो गया कि आपको एक साथ में किसी बहुत बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा बिल बढ़ के आ गया, जो एक सामान्य लोगों को बिल भरना बहुत मुश्किल था। इस मुद्दे को लेकर के हम बहुत दिन से आंदोलन कर रहे थे कि जिसके साथ में नाइंसाफी हुआ है उसका आपको बिजली का बिल नियम के हिसाब से दिया जाए। निवेदन दिया है यहाँ के सर्कल ऑफिसर राजा राम माने साहब को कि बिजली का बिल जनरेट होते के साथ 2 से 3 दिन के अंदर में लोगों के घर में बिल पहुँच जाए, जिससे लोगों को बिल भरने में आसान हो जाए। किसी का बिल 2000 भरने का आता था तो वो बिल चला गया आपको 1 लाख पर 2 लाख पर 1.5 लाख पर, तो उनके साथ में नाइंसाफी है। राजा राम माने साहब जो सर्किल ऑफिसर यहाँ के हैं, हमको आश्वासन भी दिया कि आपका जो मुद्दा है जो हमारे आधार क्षेत्र में आता है उस सारे मुद्दा को मैं इमीडिएट मतलब उसका निराकार करूंगा, उसका हल निकालूंगा। गौरतलब है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बिजली विभाग जो बिल भेज रहा है उसमें तमाम खामियां सामने आती रही हैं। सामान्य उपभोक्ताओं को लाखों का बिल भेजना, शिकायत पर सुनवाई नहीं होना और बिल भरने में देरी होने पर तत्काल लाइट कनेक्शन काटने जैसी मनमानियां जग जाहिर हैं। सपा नेताओं ने आज इन्हीं मुद्दों पर रवैया बदलने की मांग की। इस पर विद्युत अधीक्षण अभियंता राजाराम माने ने सकारात्मक पहल और समाधान का भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के जो नेता है इमाम भाई और आजमी साहब और उनके जो कि सब कार्यकर्ता यहाँ पर हमारे पास बिलिंग कंप्लेंट, लोगों के आम आदमी की जो कंप्लेंट्स है, तकरार है, अब्रप्टली बिल ज़्यादा आता है, उसके मीटर की जांच होनी चाहिए, जो फॉल्टी मीटर है वो बदली होनी चाहिए, जो भी मुद्दे यहाँ पे चर्चा हुए उनके हिसाब से हम उसका नोंद लिया है और हम उसके हिसाब से वार्ड वाइज हम अभी कैंप लगाने वाले बिल दुरुस्ती का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।